हेलो बेटा क्लास थ्री बेटा दिस इज़ योर फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट वर्क ठीक है बेटा ये आपका फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट होमवर्क है ओके सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर इंटरनल असेसमेंट नोटबुक ये वर्क आपको अपने इंटरनल असेसमेंट नोटबुक में करना है वहाँ पे आप इंडेक्स में पार्ट वन लिखेंगे डेट लिखेंगे आज की और इस वर्क को नोटबुक में करेंगे

एंड नाइन थाउजेंड थर्टी वन दिस इज यन नंबर फर्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको आपको क्वेश्चन नंबर टू में करना है कन्वर्ट और क्वेश्चन नंबर टू को आपको ए में कन्वर्ट करना है यानी ये नंबर्स किवन है उसे नंबर नेम्स लिखने हैं जैसे आपको फर्स्ट का तो क्या है नंबर नेम्स कीवन है नंबर्स लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या कीवन है बेटा वी हैव नंबर्स एंड वी हैव टू राइट नंबर नेम्स इट मीन्स यू हैव टू राइट इन स्पेलिंग्स फॉर एग्जाम्पल फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी तो आप फाइव की स्पेलिंग लिखेंगे फिर थाउजेंड की स्पेलिंग लिखेंगे फिर सिक्स फिर हंड्रेड फिर सेवेंटी की लाइक दिस यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ नंबर नेम्स ऑफ बी ऑल्सो वन थाउजेंड फिफ्टी एट मैंने आपको अच्छे से सिखाया कि कैसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रा करते हैं पहले यहाँ पर उसके बाद में प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करने के बाद में हम इनका इनके नंबर नेम्स लिखेंगे वन थाउजेंड फिफ्टी एट क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री इन क्वेश्चन नंबर थ्री वी हैव राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यानी एक्सपेंड करके लिखना है मैंने बीच में डैश करके प्लस किया हुआ है आपको फॉर एक्जाम्पल फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव तो फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी प्लस फाइव ओके और टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर तो टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है हियर व क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिससर प्रेडिससर मीन्स जस्ट व्हाट कम्स जस्ट बिफोर एंड सक्सेसर मीन्स व्हाट कम्स आफ्टर सो थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स इज जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है इट मीन्स प्रेडिससर एंड सक्सेसर मीन्स प्लस वन प्रेडिससर मीन्स माइनस वन तो मैंने आपको ए एंड बी गवन है फाइव थाउजेंड ईर थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स ईयर यह आपको पता है कैसे करना है मैंने आपको सारी इसकी रिविजन भी मैंने आपको इसका करवाया था एक बार और आपको ये एक्सरसाइज फिनिश करवाई थी नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है बेटा हमारे पास कंपेयर द नंबर्स एंड पुट द अप्रोप्रिएट सिंबल ओके विच इज ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल तो आपके पास ए गिवन है ए में मेरे पास यहाँ पे दो नंबर्स हैं आप दोनों को इन नंबर्स को क्या करना है प्लेस एलिप चार्टना के नोट करना है और फिर कंपेर करना है थाउजेंड प्लेस से तो जो बिग है बिग में क्रोकोडाइल का ओपन माउथ आता है और जो स्मॉल है वहाँ सिर्फ वन यानी क्लोज माउथ क्लियर इस तरह से आप इस ए बी एंड सी को फिनिश करेंगे क्लियर हुआ बेटा अच्छा ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फाइव ए बी सी ए बी सी में आपके पास में ये जो थ्री गिवन है इन थ्री को आपको कंपेयर करना है और इनके आंसर्स इसके ब्लॉक में नोट no डाउन करेंगे साइन लगा के सिंबल्स जो गिवन है ना ये अब क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यानी जो नंबर्स गिवन है उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ए मैंने बताया था ए मीन्स बिग टू सॉरी स्मॉल टू बिग यानी सबसे पहले स्मॉल लिस्ट नंबर आएगा इन सब में से फिर उससे बिग उससे बिग इस से। तो आपको पता है कि यहाँ पर मेरे पास में फोर नंबर्स गिवन है आप सबसे पहले एक टेप बनाएंगे कॉलम्स एंड रोज उसमें नंबर्स नोट करेंगे और फिर उनको थाउजेंड प्लेट साइड से कंपेयर करते हुए और नंबर्स नीचे नोट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में क्लियर क्वेश्चन नंबर सेवन ब्लैंक्स इसमें क्या गीवन है बेटा ए है फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेडी फाइव इज एंडाउजेंड सिक्स कैसा नंबर है ऑर्ड है या ईवन है तो मैंने आपको ऑड और, और इवन भी समझाया था नंबर एट वंस प्लेस ना फर्स्ट वी चेक वंस प्लेस डिजिट इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई टू देन दिस होल नंबर इज एन ईवन नंबर और इफ़ नॉट दैन दिस होल नंबर इज एंड ऑड नंबर सो so, आप इससे चेक करके ए एंड बी सॉल्व करेंगे सी में आपको देखना है कि वन थाउजेंड फिफ्टी फोर वन थाउजेंड फिफ्टी फाइव तो फिफ्टी फाइव की बनाए तो वन थाउजेंड क्या आएगा ठीक है आप ये फुलफिल करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी भी सेम ऐसा ही है सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड नाइनटीन फिर डैश सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी वन और फिर आपके पास थ्री ब्लैंक्स है तो यू हैव टू फुलफिल दीज ब्लैंक्स नाउ कम टू ई है मेरे पास वन थाउजेंड प्लस एट हंड्रेड प्लस ट्वेंटी प्लस वन यानी आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके या नोट डाउन करना है मैंने तो आपको बताया था आप वंस देन वंस टेंस वंस टेंस हंड्रेड वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड इस तरह से करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड का प्लेस वैल्यू चार्ट और जिसमें जो नंबर आता है उस जीरो को नहीं सिर्फ उस नॉन जीरो जो नंबर्स है उनको नोट करेंगे और आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा ये सब मैं आपको अच्छे से पहले समझा चुकी हूँ करवा चुकी हूँ बेटा ठीक है तो आपको ये वर्क करना है जब आपका ये वर्क आज की डेट में आप इसे कर लें अच्छे से इसकी आंसर शीट भी मैं आपको भेजूंगी और आंसर शीट से बाद में आप चेक करिएगा अगर कोई मिस्टेक्स है तो आप उस वर्क को वापस करेक्ट करेंगे अपनी नोटबुक में बेटा एक चीज़ और आपको पता है ये जो वर्क है जो मैंने आपको अभी दिया है ये वर्क पार्ट फर्स्ट है इसको आपको गुड हैंड राइटिंग में करना है क्योंकि आपकी ये नोटबुक्स चेक करने के लिए स्कूल में आएंगी टीचर्स के पास में ठीक है ना और आप कैसा वर्क करते हैं उस बेस पे आपको फिफ्टी में से नंबर्स भी मिलेंगे मार्क्स मिलेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग बिल्कुल सही हो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जैसे मैंने देखी कैसे हर एक क्वेश्चन के बीच में गैप्स दिए लाइंस के गैप दिए नहीं दिए और हर एक वर्ड को खोल खोल के लिखा ताकि आप अच्छे से पढ़ सके समझ सके तो आपको भी सेम ऐसे ही गुड हैंड राइटिंग में वर्क करना है कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए कटिंग छटिंग नहीं होगी स्केल अगर आपका कुछ मिस्टेक हो गई तो आप उसे इरेजर से रब करेंगे फिर नोट डाउन करेंगे स्केल यूज़ करिए स्ट्रेट लाइन्स के लिए ठीक है बेटा और ये आपकी रिवीजन भी है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो साथ साथ में आपकी ये रिवीजन भी हो जाएगी क्लियर सो दिस इज योर वर्क क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर देन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन एंड ओके सो हमारे पास ये सेवन क्वेश्चन से आज का हमारा वर्क इंटरनल असेसमेंट पार्ट फर्स्ट में सेवन क्वेश्चन की वन है फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट यूनिट से ही आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं अच्छे से करिए फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप सबके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है आप उस पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं तो डू दिस वर्क विद गुड हैंड राइटिंग इन योर नोटबुक आई विल सेंड आंसर शीट ऑफ दिस पार्ट इंटरनल असेसमेंट पार्ट फर्स्ट आफ्टर सम डेज देन यू हैव टू चेक योर आंसर इन योर नोटबुक एंड यू नो दैट मैंने आज ही आपको एक टाइम टेबल भेजा है कि कैसे आपको अपनी नोटबुक्स किस डेट को स्कूल में सबमिट करवानी है और कब वापस लेके जानी है तो आप उसी के अकॉर्डिंग डेट वाइज अपनी नोटबुक स्कूल में अपने पेरेंट्स के साथ भेज के जमा करवा सकते हैं ओके बेटा